सेना। सेना के विषय में सभी जानते हैं सेना किसे कहते हैं, लेकिन सेना की महत्वपूर्ण बातें जो आप सभी नहीं जानते हैं वो हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सेना जो है क्या कार्य करती, तो सेना देश की रक्षा का कार्य करती है ना, आंतरिक रूप से बाहरी रूप से दोनों ही तरीके से देश के प्रत्येक नागरिक की रक्षा करने का कार्य सेनाओं का होता है। वैसे तो हर कोई अपने लेवल पर एक दूसरे की रक्षा करता है, लेकिन सेनाओं का प्रमुख कार्य देश में शांति सुरक्षा बनाए रखना होता है। हमारे देश में तीन प्रकार की सेनाएं हैं, है ना। वो तीनों सेनाएं किन नामों से जानी जाती है तो जानते हैं। पहली सेना जिसे कहते हैं थल सेना, जो जमीन पर रहकर देश की रक्षा का कार्य करती है। दूसरी होती है जल सेना या नौसेना। नाम से स्पष्ट हो रहा है जल सेना यानी जल में रहकर पानी में रहकर देश की रक्षा का कार्य करती है। और तीसरी सेना होती है वायु सेना, वायु मार्ग से, है ना, जो सेना हमारे देश की रक्षा का कार्य करे वो कहलाती है वायु सेना। अब हम जानते हैं थल सेना के विषय में प्रमुख बातें। इसके पहले मैं आपको ये बताऊं कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो होता है उनका सेनापति। और तीनों सेनाओं के प्रमुख सेनापति हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, मतलब हमारे देश के राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का प्रमुख कहा जाता है। अब जानते हैं थल सेना के बारे में कि थल सेना का उद्भव कब हुआ। तो थल सेना का उद्भव हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में आई तो इससे हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं कि पहले तो अंग्रेजों ने उसे अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग किया, लेकिन देश की आजादी के बाद यह थल सेना जो है हमारी देश की रक्षा का कार्य करने लगी। इसने इस थल सेना के अंतर्गत बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं। जहाँ थल सेना देश की बाहरी सुरक्षा करती है वहीं देश की आंतरिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य भी करती है। हम जानते हैं कि थल सेना के माध्यम से किस प्रकार के ऑपरेशन चलाए जाते हैं। तो जो बचाव अभियान चलाया जाता है वो कहलाता है ऑपरेशन सूर्य, आशा, इस प्रकार के और भी कई अभियान चलाए जाते हैं। केवल देश की लोगों की बाहरी सुरक्षा ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति और अन्य देशों के साथ शांति संबंध स्थापित किए जाने में भी थल सेना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ पर है शांति काल के अभियान। शांति काल के दौरान सेना किस प्रकार के अभियान चलाती है, तो उनमें है ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत और इसके अलावा अन्य कई अभियान है जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। थल सेना विश्व की दूसरे नंबर की भारतीय थल सेना विश्व में दूसरे नंबर पर स्थान रखती है, मतलब कहने का भारतीय थल सेना विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना है। इसके बाद हम चलते हैं जल सेना की ओर। जल सेना के विषय में भी हम मुख्य बातें जानेंगे कि इसकी स्थापना हुई थी 1612 में, 1612 में इसकी स्थापना हुई थी और 1665 ईस्वी में इसे 1665 में इसे बंबई मैरिन के नाम से जाना गया। और इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन से 7030 टन का क्रूजर दिल्ली खरीदा गया, उसका नाम क्या था, दिल्ली। इस प्रकार से कई क्रूजर खरीदे गए और सेना को बढ़ाया गया। सैनिक जहाज जो प्रतिरक्षा नौकाएं अजय, अक्षय इत्यादि के नाम से अब बनाए जाते हैं, जो देश की जल सेना या नौसेना में सहायक होते हैं, जिनके माध्यम से सैनिक युद्ध आसानी से लड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य जैसे जैसे समय बढ़ता गया आधुनिकीकरण होता गया, हमारे देश की सेनाओं में भी आधुनिकीकरण होता गया और देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए हर सेना में नए नए प्रकार के विमान और अभियान चलाए जाने लगे। अब हम आते हैं वायुसेना। वायुसेना जो वायु मार्ग से देश की रक्षा का कार्य करती है, तो वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 8
भारतीय वायुसेना में पांच कमान है ना, पांच कमान चार तो दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके अलावा एक होती है केंद्रीय कमान, है ना। तो इन चार दिशाओं के अतिरिक्त एक केंद्रीय कमान के नाम से पांच कमान वायुसेना में है। तो ये थी प्रमुख जानकारी सेनाओं के विषय में। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं कि जो थल सेना होती है इसका प्रमुख जो रहता है उसे जनरल के नाम से जाना जाता है, मतलब थल सेना के सेनापति को जनरल कहा जाता है। और हमारी थल सेना के जो जनरल है उनका नाम है बिपिन रावत। इसके बाद जल सेना के सेनापति या प्रमुख को एडमिरल के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान में सुनील लांबा हमारी जल सेना के एडमिरल हैं। इसके पश्चात वायुसेना के प्रमुख को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है, और वर्तमान में वीरेंद्र सिंह दानोआ हमारे वायुसेना के सेनापति हैं या सेनाध्यक्ष हैं। तो आपको तीनों सेनाओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी इस पाठ के माध्यम से प्राप्त हो गई होगी।